उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों पर शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। राज्य में 55.89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 7% कम है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोला और कहा कि कम मतदान के पीछे जनता की उदासीनता वजह नहीं है, बल्कि सरकार की असफल नीतियों से नाराज होकर वोटिंग करने लोग नहीं पहुंचे। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बार जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी उदासीन रहे, क्योंकि बीजेपी ने न तो प्रदेश में और न ही देश में ऐसा कोई काम किया जिससे उत्साह पैदा हो। अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे, और इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है। कोई विपक्ष का कैंडिडेट कहीं भी किसी भी रूप में कहीं किसी की उपस्थिति दिखी नहीं। एकमात्र राजनीतिक दल अगर फील्ड में था, मैदान में अगर कोई था, तो केवल भारतीय जनता पार्टी थी।